जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी कांस्टेबल की नई भर्ती को लेकर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आप इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप काफ़ी किस्मत वाले हैं, क्योंकि एसएससी जीडी की वैकेंसी हर साल नहीं निकलती है। लेकिन ये जो साल है 2018 के बाद 19 और 20, 2020 एक ऐसा साल है जिसमें वैकेंसी जो है आने वाली है सिर्फ 2 साल के अंतर में। 2 साल का भी अंतर नहीं हुआ है, सिर्फ 1 साल का जो है अंतर हुआ है। पिछले बार जो है 2011 में निकली थी, उसके बाद 15 में निकली थी, उसके बाद 18 में, मतलब 3 साल का जो अंतर था उसको काफ़ी कम करके यहाँ पर 2020 की भर्ती के लिए जो है पूरा शेड्यूल जो है जारी कर दिया गया है। अगर आप भर्ती की जो इंतज़ार में है तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, ऑफिशियली जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो है एक नोटिस आया हुआ है जो कि डिपार्टमेंटल नोटिस है, उस नोटिस के माध्यम से आप लोगों को पूरी भर्ती की जानकारी मैं देने वाला हूँ। ठीक है, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि जो भर्ती है वो मार्च अप्रैल में या फिर अप्रैल मई में जो है आ जाएगी, लेकिन उसमें बहुत से ऐसे कमेंट आए थे कि जो है अपने मन का बता रहा है वो। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों की इस वीडियो में मैं उम्मीद करूंगा कि ना हो और आप इस नोटिफिकेशन को जो है अच्छे से समझ जाए। तो मैं आप लोगों को सीधे लेके चलता हूँ नोटिस के माध्यम से। तो ये है ऑफिशियल नोटिस। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, पुलिस। ठीक है, तो ये है आप लोगों का नोटिस का जो मुख्य पॉइंट है, और यहाँ पर जो बोला हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं न्यू दिल्ली, ठीक है, नॉर्थ ब्लॉक। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो जानकारी आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो डेट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 17/2/2020। ठीक है, मतलब 17 फरवरी को ये नोटिस यहाँ पर जारी किया, यहाँ पर भी जो है आप डेट देख पाएंगे। ठीक है, अगर आपके कोई अगर ऐसा बोलता है कि फेक नोटिस है ना, तो आप अभी से वीडियो छोड़ दीजिए। ठीक है, आपको लग रहा है तो वीडियो छोड़ दीजिए, चले जाइए। ठीक है, क्योंकि आपका काम ही है जो बोलना। अब यहाँ पर जो है इस नोटिस के माध्यम से आप लोगों को मैं बताऊँ तो ये जो है नोटिस डिपार्टमेंटल है। ठीक है, डिपार्टमेंटल नोटिस है, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट में बोला है कि वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन केप्स एनआईए एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2020। यहां पर पॉइंट को नोट करिएगा कि एग्जामिनेशन 2020। ठीक है, ये जो बोला है कि यहां पर जो एग्जाम होने वाली है 2020 में, उसके लिए ये नोटिस है। ठीक है, अब यहां पर आप नीचे आते हैं तो यहां पर ये जो पहली जो पैराग्राफ दिया गया है इसमें जो बोला गया है, इस बात को समझिएगा। इस नोटिस में आप लोगों ने व्हाट्सएप फेसबुक में भी देखा होगा और काफी ज्यादा इसमें जो है कन्फ्यूजन हो रहा था कि नोटिस क्या कुछ कह रहा है। तो यहां पर ये जो पहले पैराग्राफ है इसमें बोल रहा है कि जो 2018 की जो वैकेंसी थी, ठीक है, 2018 की जो वैकेंसी थी उसमें आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि सीआरपीएफ की जो वैकेंसी थी वो लगभग 19,000 के लगभग वहां पर वैकेंसी थी, लेकिन उसको घटा के जो है कम कर दिया गया है। ठीक है, लगभग 14,000 अभी वहां पर वैकेंसी है, और सीआईएसएफ की जो वैकेंसी थी उसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो ये हुई थी आप लोगों की 1/1/2020 में, और रिस्वीड जो आपकी वैकेंसी आई थी उसके अकॉर्डिंग। तो उसने ये बोला है कि सीआरपीएफ की जो वैकेंसी कम की गई थी, और जितनी भी आपके पास जितनी भी फोर्सेस का जो डाटा है, ठीक है, जो डाटा आपके पास फोर्सेस का है जो कि रिक्वायर्ड है या फिर खाली पद है, उन पदों की जो जानकारी है वो हमको फैक्स करिए। मतलब ये नोटिस आया हुआ है किसके द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा नोटिस आया है सीआरपीएफ को, और ये बोला गया है कि जो भी आपके पास पद खाली है, ठीक है, उनकी जानकारी हमें जो है फिक्स करिए, ठीक है, या फिर किसी भी माध्यम से पहुंचाइए। तो यहाँ पर आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो कि होम जो अफेयर्स या फिर आप बोल सकते हैं गृह मंत्रालय, वो जो है सीआरपीएफ को जो रिक्वायर्ड जो वैकेंसी है या जो खाली पद है उसकी जानकारी मांग रहा है, और ये एग्ज़ाम होने वाली है 2020 में। ये तो सबसे पहले यहाँ पर क्लियर इसने कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नोटिस आया हुआ है। अब यहाँ पर आप लोगों का, जैसे कि मैंने पिछला वीडियो में भी बताया था कि आप लोगों को ये जो है आप लोगों का अप्रैल और मई, ठीक है, मतलब चौथे और पांचवें महीने के अंदर ये वैकेंसी जो है आपकी आना संभव है, लेकिन आप लोगों को एक कंडीशन रहेगी कि बस तैयारी इस बार नहीं हो पाया 2018 वैकेंसी में, लेकिन इस बार आप लोगों को अगर जाना है तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। हो सके तो हम अपने ही यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए क्लासेस भी चलवा देंगे, लेकिन इस बार जो है आप लोगों को मौका नहीं खोना है। तो अगर आपको लग रहा है अभी भी कि जो है फेक नोटिस है या ऐसा कुछ है, तो आप लोग जो है मैं कुछ नहीं बोल सकता उसके आगे, लेकिन ये नोटिस आप लोगों को 100% श्योर है कि सही नोटिस है जो कि यहाँ पर सीआरपीएफ को भेजा गया है। ठीक है, तो ये वैकेंसी आपकी लगभग 2 से 3 महीने के अंतर्गत यहाँ पर आ जाएगी। तो आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी, क्योंकि 2 से 3 साल जो है लगते हैं वैकेंसी जो कि जीडी की वैकेंसी के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है 2018 के बाद सीधे 2020 में यहाँ पर वैकेंसी जो है डाल दी गई है। ठीक है, तो ये आप लोगों की वैकेंसी 2 से 3 महीने के अंतर आ जाएगी। ठीक है, तो ये जानकारी थी ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से जो कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ठीक है, अर्जेंट नोटिस था। उम्मीद है वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, आगे की पटपल की अपडेट
पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।